हेलो देयर गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टू एनिमेट। तो आज के वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा हेयर एनिमेशन टेक्निक, मतलब कैरेक्टर की जो हेयर होते हैं उसको कैसे एनिमेट किया जाता है। तो अगर आप लोगों को सीखना है कि हेयर एनिमेशन कैसे होता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करके बढ़ते वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेयर एनिमेशन के लिए मैं दो टेक्निक का यूज करता हूँ। फर्स्ट जो है वो थोड़ा टेक्निकल है और उसमें ज्यादा ड्राइंग स्किल की जरूरत नहीं है, तो जो लोग को ड्राइंग उतना अच्छा नहीं आता उसके लिए ये टेक्निक बेस्ट है, और उनके लिए ये अच्छा है जिनका बजट बहुत कम है। मतलब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है जिसका बजट बहुत कम होता है, उनमें आप ये टेक्निक का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट जो मैं दूसरा जो टेक्निक सिखाने वाला हूँ वो ड्राइंग बेस है, तो उसमें हमें थोड़ा ड्राइंग स्किल चाहिए। मतलब एनिमेशन का क्वालिटी अगर हाई होगा और उसका बजट अगर थोड़ा ज्यादा होगा तो आप लोग वो टेक्निक यूज करना, क्योंकि उससे आपका एनिमेशन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा, क्योंकि हेयर एनिमेशन ड्राइंग करके ही ज्यादा अच्छा बनाया जाता है। तो पहले आ जाते हैं फर्स्ट टेक्निक की तरफ। तो फर्स्ट टेक्निक बनाने के लिए पहले हमें एक हेयर का शेप बनाना है, और मैं वो बना रहा हूँ ब्रश टूल से। आप चाहो तो लाइन टूल भी यूज कर सकते हो। तो मैं ब्रश टूल से पहले एक हेयर का शेप बना लेता हूं कुछ ऐसे। ओके, और इसको मैं थोड़ा ब्राउन कलर दे देता हूं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसको सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए पहले हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद F8 प्रेस करेंगे, और यहां पे मैं इसका नाम दे रहा हूं हेयर। अब इसका जो पॉइंट है इसको हमें लेके जाना है ऊपर की तरफ यहां पे। अब मैं 15 तक की फ्रेम ऐड कर लूंगा, F6, और यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में थोड़ा रोटेट करूंगा ऐसे, और थोड़ा स्क्यू करूंगा ऐसे, और यहां पे मैं इसके मिडिल में मतलब 8 नंबर फ्रेम पे और एक की फ्रेम ऐड कर लूंगा F6, और यहां पे इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा ऐसे, और यहां पे थोड़ा स्क्यू दे दूंगा राइट साइड पे कुछ ऐसे। अब जो फर्स्ट फ्रेम है वो और जो लास्ट फ्रेम है ये दोनों सेम रहेगा, तो मैं लास्ट फ्रेम को ही इसको कॉपी करके यहां पे फर्स्ट फ्रेम की तरफ लेके आ जाता हूं। तो फर्स्ट फ्रेम और मेरा जो लास्ट फ्रेम है ये दोनों सेम पोजिशन में होगा, सिर्फ जो मिडिल का जो फ्रेम है मतलब 8 नंबर पे जो की फ्रेम है वहां पे मैंने इसको थोड़ा राइट साइड पे लेके गया हूं। अब यहां पे क्या करना है, हमें ट्विन दे देना है। तो ट्विन देने के लिए हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, अब क्लासिक ट्विन देंगे। अब ये कुछ ऐसे दिखेगा, इसको अगर हम प्ले करेंगे लूप में तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब ये उतना अच्छा दिख नहीं रहा, इस टेक्निक का यही एक प्रॉब्लम है, ये उतना अच्छा नहीं दिखता, ये थोड़ा मैकेनिकल दिखता है। बट इसको थोड़ा बहुत आप ठीक कर सकते हो, वो कैसे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इसको अभी यहां पे स्टॉप कर देते हैं, और यहां पे हम सिलेक्ट करके ट्विन देंगे ताकि इसका स्लो इन एंड स्लो आउट प्रॉपरली हो। तो स्लो इन एंड स्लो आउट देने के लिए हमें पूरा फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है ऐसे, और यहां पे हमें प्रॉपर्टीज पैनल पे ट्विनिंग ऑप्शन पे जाके यहां पे जो एडिट एजिंग वाला ऑप्शन है यहां पे हम चूज करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे, और यहां पे क्लिक करते ऐसे ग्राफ आ जाएगा। अब स्लो इन स्लो आउट का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है उसको नीचे की तरफ लेके जाना है। तो ये जो कर्व है ये कर्व होता है स्लो इन एंड स्लो आउट का, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रखना। इसको हम अब सेव एंड अप्लाई कर देंगे, और अब इसको प्ले करेंगे तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है पहले वाले से, बट अभी भी ये मैकेनिकल लग रहा है। मतलब ये जो प्रॉपर हेयर एनिमेशन ये ऐसा नहीं होता है। बट अगर आपका बजट कम है, मतलब आपको उतना ज़्यादा एनिमेशन में हेयर एनिमेशन में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो आप ये वाले एनिमेशन कर सकते हो। अब आते हैं जो ड्राइंग करके बनाया जाता है, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा उसमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और एक नया लेयर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ कि जो मूवमेंट होता है हेयर का मूवमेंट वो कैसे होता है। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो किसी भी शेप का हेयर हो आप उसका एनिमेशन अपने आप खुद से कर सकते हैं। तो आप लोग ये स्टेप ध्यान से देखना, और ये जो स्टेप है
ये 12 प्रिंसिपल का जो एक प्रिंसिपल होता है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग, उसको यूज करके किया जाता है। तो इसका यूज मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, और वो था जो बर्ड का विंग्स होता है, मतलब बर्ड फ्लाई जब करता है विंग्स जैसे मूव करता है वो भी फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग करके ही होता है, तो हेयर का भी सेम तरीके से होता है। और यहाँ पे और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ हेयर का नहीं, आप चाहो तो एनिमल का जो टेल है, हमारे ह्यूमन का जो मुस्टेच होता है, मतलब मूछे होते हैं, उन सब का भी एनिमेशन आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, मतलब ड्राइंग के जो स्टेप्स हैं, वो आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। तो आप चाहो तो वो ह्यूमन का हेयर हो या फिर मूछे हो या फिर एनिमल का टेल हो, ऐसा कुछ भी अगर हो तो आप उसका एनिमेशन कर सकते हो। मैंने पहले आप लोगों को एक सिंपल लाइन से समझा देता हूँ। तो पहले जो हेयर का शेप है वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे होता है, समझ में आ गया। तो फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग में क्या होता है, हेयर के जो टिप होता है, मतलब जो हमारे हेड से अटैच होता है, मतलब ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से मूवमेंट पहले स्टार्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये उसको फॉलो करता है, और इसको फॉलो करते हुए फिर जब एक्सट्रीम पोज में चला जाता है, मतलब ये एकदम एक्सट्रीम पोज में चला जाता है, तब इसको ओवरलैप कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसको ओवरलैप कर चुका है, मतलब ये फाइनल मूवमेंट है, ये इसका एक्सट्रीम पोज है, एक्सट्रीम पोज में ये इतने दूर तक ही जाएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे वाला जो पार्ट है वो उसको फॉलो करते करते इसको ओवरलैप कर चुका है। तो इस पोज में यही हो रहा है, मतलब ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोज में है और ये इसको ओवरलैप करके बाहर आ चुका है। जो नेक्स्ट पोज होता है वो यहाँ से मूव होता है। तो मूव जो होता है वो कैसे होता है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ऐसे मूव होता है, मतलब क्या हो रहा है, जो टिप है, मतलब हेड के साथ जो हेयर का पार्ट कनेक्ट होता है, वो पहले मूव करता है, मतलब इतना मूव करता है, और जो नीचे का पार्ट है ये उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसका जो शेप है वो कुछ ऐसे दिखता है। अब जो एक्सट्रीम पोज है वो कैसे होगा, वो होगा एकदम ऑपोजिट में ऐसे, ठीक है, एकदम ऑपोजिट में ऐसे होगा, मतलब हेयर का जो पार्ट हेड से अटैच होता है वो ये वाला पार्ट ये एक्सट्रीम पोज में चला गया है और नीचे वाला पार्ट इसको ओवरलैप करके बाहर निकल गया। तो ये प्रिंसिपल आप लोगों को फॉलो करना है, तो ये जो हेयर एनिमेशन है वो आसानी से बन जाएंगे। अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, F7 करता हूँ और ऑनियन स्किन को ऑन करते हैं, और यहाँ पे जो मैं शेप ड्रॉ किया था वही यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे और एक की फ्रेम ऐड करता हूँ F7 पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ऑनियन स्किन को और थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, और इसका एकदम ऑपोजिट करना है ऐसे। अब ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट जो ड्राइंग होगा वो कुछ ऐसे होगा, मतलब इसका उल्टा, ठीक है, और ये आखिरी में हमारा ये पोज होगा, ठीक है। तो ये हमारा की पोजेस है, आप देख सकते हो ऐसे मूव होता है। अब हमें इसको और स्मूथ करने के लिए इन बिटवीन बनाना पड़ता है। अब इन बिटवीन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आप लोगों को फाइनल जो एनिमेशन होगा वहां पे ड्राइंग करके दिखाऊंगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हेयर का मूवमेंट होता है। अब आते हैं असली पोज पे, मतलब जो असली शेप होता है हेयर का वो ड्राइंग करते हैं। फिर से एक नया लेयर लेंगे, इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, और एक नया लेयर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पहले हेयर का शेप बना लेता हूँ। तो ये मैंने एक शेप बना लिया, अब इसको मैं फिल कर देता हूँ, अब इसको मैं एक सिंबल पे कन्वर्ट करूंगा F8 करके, और इसका नाम दे दूंगा हेयर 2, ओके। अब हम इसके अंदर जाएंगे, हेयर 2 सिंबल के अंदर। अब यहाँ पे हमें एक्सट्रीम पोज पहले ड्रॉ कर लेना है। तो ये एक एक्सट्रीम पोज है, और एक एक्सट्रीम पोज होगा इसके एकदम ऑपोजिट में। तो इसका ऑपोजिट मैं मान के चलता हूँ 10 में इसका ऑपोजिट पोज होगा, तो मैं 10 नंबर की फ्रेम पे इसका ऑपोजिट पोज ड्राइंग करूंगा। ये बन गया। अब एकदम सेम टू सेम इसका ऑपोजिट पोज करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कॉपी करके इसको फ्लिप करके कर सकते हो, बट एकदम मत ही करो, क्योंकि ये हेयर है तो हेयर शेप थोड़ा मतलब एक जैसा नहीं होता, एक जैसा होगा तो थोड़ा मैकेनिकल लगेगा। तो आप ड्रॉ ही करो तो बेटर रहेगा, आप जब ड्रॉ कर ही रहे हो हर फ्रेम को
तो ये फ्रेम भी ड्रॉ कर लो, अच्छा ही रहेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसको मैं फिल कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे दोनों एक्सट्रीम पोज बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, मिडिल का जो की फ्रेम है वो बनाना है। तो मिडिल का की फ्रेम जैसे मैंने लाइन वाले हेयर के लिए ड्रॉ किया था वैसे ही बनाना है। तो मैं इसके मिडिल 5 नंबर की फ्रेम पे करूँगा और इसको थोड़ा ऑनियन स्किन को बड़ा करेंगे तो इसके मिडिल में होगा। तो ये वाला पोज जैसे कि मैंने वो लाइन वाले पे ड्रॉ किया था वैसे ही होगा। जैसे ओके, अब इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लेके आ जाऊंगा 15 पे और इन दोनों के बीच में एक की फ्रेम ड्रॉ करूंगा। और यहाँ पे शेप कैसा होगा, एकदम 5 नंबर में जो ड्राइंग बनाया था उसका ऑपोजिट, मतलब। तो ये बन गया हमारा की पोजेस। अब मैं इसको प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब की पोजेस बन चुका है बट ये स्मूथ नहीं है, तो हमें इसको स्मूथ करने के लिए क्या करना है, इन बिटवीन भी ड्रॉ करना है। इन बिटवीन में अब आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि कैसे शेप ये होगा। देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे सेम ही फॉलो करेगा, सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको सोच समझ के ड्राइंग करना है। मतलब आप अगर ये चीज़ अच्छे से समझ लोगे तो आप लोग इन बिटवीन ड्रॉ कर सकते हो, उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ मेरे स्टेप्स को देखकर ड्राइंग करोगे तो आप लोग सिर्फ उतना ही स्टेप बना पाओगे जितना मैं बना रहा हूँ। अगर आपको उससे ज़्यादा स्मूथ करना है या फिर आपको कुछ थोड़ा और डिफरेंट शेप का हेयर होगा, या फिर मान लीजिए हेयर ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे भी तो उड़ता है ना, जब गर्ल्स की जो हेयर होते हैं ऐसे भी तो उड़ता है, ऐसे अगर हेयर का मूवमेंट होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप जो प्रिंसिपल है वो उसको अच्छे से समझ लो और उसको समझ के आप ड्राइंग करो, तो आप लोग किसी भी टाइप का हेयर हो, किसी भी टाइप का टेल हो, किसी भी टाइप का मूंछे हो, आप लोग आसानी से कर पाओगे। अब देखियो मैं इन बिटवीन कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो इन बिटवीन ड्रॉ करूंगा मैं इन दोनों की फ्रेम के बीच में ड्रॉ करूंगा, मतलब 1 नंबर एंड 5 नंबर की फ्रेम के मिडिल में। अब यहाँ पे मैं F7 लूंगा और ऑनियन स्किन को ऑन करूंगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, सेम फॉलो थ्रू होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गया। इसको फिल कर दूंगा। अब इन दोनों के बीच में हमें एक की फ्रेम ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी F7 करूंगा और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कोशिश करेगा इसको ओवरलैप करने की, मतलब यहाँ पे हमारे जो कर्व होगा, ड्राइंग होगा, वो कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो ड्राइंग है वो कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है इसको ओवरलैप करने की, क्योंकि इसके बाद जो की फ्रेम है वहाँ पे वो ओवरलैप कर देता है। अब हमें इन दोनों के बीच में एक की फ्रेम ऐड करना है और यहाँ पे मुझे लगता है एक फ्रेम ऐड करने की ज़रूरत है यहाँ पे, तो मैं F5 करके एक यहाँ पे फ्रेम ऐड कर लूँगा और वहाँ पे मैं फिर इसमें F7 करके की फ्रेम ऐड करूँगा। अब इसका ड्राइंग कैसा होगा, सेम वाइज यहाँ पे भी हमें इसको ऐसे करना है और यहाँ पे ये ऐसे फॉलो करेगा। अब इन दोनों के बीच में भी हमें लगता है एक यहाँ पे फ्रेम ऐड करने की ज़रूरत है, तो मैं पहले F5 करूँगा फिर यहाँ पे F7 करके बैंक की फ्रेम ऐड करूँगा। यहाँ पे कोशिश करेगा इसको ओवरलैप करने की, तो यहाँ पे जो ड्राइंग होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ इन बिटवीन ड्रॉ कर लिया है, आप चाहो तो और भी इन बिटवीन ऐड कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये कैसे दिखेगा। तो ये आप लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी आप चाहो तो इसमें शैडो एंड हाईलाइट ऐड कर सकते हो और भी इसको अच्छा दिखाने के लिए। वो टेक्निक मैंने पिछली वीडियो, मतलब जो शैडो एंड हाईलाइट वाली वीडियो थी उसमें आप लोगों को दिखाया था। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ बट मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, तो मैं जल्दी से यहाँ पे शैडो और हाईलाइट बना लेता हूँ।
तो सारे फ्रेम्स में मैंने शैडो ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे मैं शैडो वाली जो लेयर है मतलब लेयर टू, इसको सिलेक्ट करूँगा। प्रॉपर्टीज पैनल पे जाऊँगा, यहाँ पे ब्लेंड मोड में मैं मल्टीप्लाई दूंगा एंड कलर इफेक्ट में मैं यहाँ पे अल्फा दूंगा, अल्फा 30 पे रहने देते हैं। तो यहाँ पे शैडो हो गया। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि जब आप एनिमेशन करोगे तो आपको हर एक फ्रेम में शैडो अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए शैडो बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। मतलब अगर आप लोगों के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग शैडो अवॉइड करना। अब हाईलाइट भी ड्रॉ कर लेता हूं। अब हर एक फ्रेम पे मैंने हाईलाइट भी ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हाईलाइट बाय लेयर को सिलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज पैनल में जाके यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड ऑप्शन पे ऐड सिलेक्ट करेंगे और अल्फा को यहाँ पे कलर इफेक्ट पे अल्फा दे देंगे और इसको कम करके 25 पे लेके आएंगे। तो शैडो एंड हाईलाइट दोनों ही ऐड कर लिया यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे एनिमेशन को देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये तो हो गया सिर्फ एक हेयर शेप का। अब कैरेक्टर पे सिर्फ एक हेयर तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोगों को सेम टेक्निक का फॉलो करके मतलब यही प्रिंसिपल का यूज़ करके आप लोगों को मल्टीपल ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है। तो या तो आप ऐसे सिंबल में कर सकते हो, एक सिंबल को कॉपी करके और एक बना सकते हो, या फिर आपको एक साथ अगर बनाना है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आप लोगों को ड्रॉइंग करते जाना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखा देता हूँ, अगर एक से ज़्यादा हेयर होगा तब आप लोगों को क्या करना है। तो मैं अभी के लिए इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। अब ये ऐसे मूव करेगा। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और करना है। वैसे तो ये ठीक ही लग रहा है, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ और करना है, वो है विंड। मतलब विंड किस साइड से आ रहा है। मान लीजिए विंड इस साइड से आ रहा है तो क्या होगा, विंड पहले इस वाली हेयर को टच करेगा, उसके बाद इस वाली हेयर पे जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, ये वाली जो हेयर है मतलब सामने वाली जो हेयर है लेफ्ट साइड में, तो ये पहले मूव करेगा साइड पे जो है वो बाद में मूव करेगा। अगर विंड उल्टी दिशा में आता मतलब अगर राइट साइड से आता तब भी क्या होता, तब ये पहले मूव करता ये वाला और ये वाला बाद में मूव करता। तो अभी मान लीजिए कि ये विंड इस साइड से आ रहा है तो हमें इसको पहले मूव करना है। तो इसको पहले मूव करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पैनल पे लूपिंग ऑप्शन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट फ्रेम है यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम टाइप करेंगे 2। अब यहाँ पे 2 करने का मतलब है ये जो हेयर है ये 2 नंबर फ्रेम से स्टार्ट होगा जबकि ये 1 नंबर फ्रेम से स्टार्ट होगा। तो 2 नंबर फ्रेम से अगर ये स्टार्ट होगा तो मतलब ये थोड़ा इसका आगे एनिमेशन होगा और ये थोड़ा बाद में एनिमेशन होगा। अब मैं इसको अगर प्ले करूँगा और इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ एरो को, और अब मैं इसको अगर प्ले करूँगा तो देखो ये पहले एनिमेट हो रहा है और उसके बाद ये एनिमेट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 से ज़्यादा होगा तो आप लोगों को उस हिसाब से उसको लेट प्ले करना होगा, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पे और एक होता तो ये यहाँ पे मैं इसको 3 नंबर से स्टार्ट करता, इसको 2 नंबर से, उसको 1 नंबर से, और अगर इस साइड पे 1 होता तो क्या करता, इसको मैं 2 नंबर से स्टार्ट करता और इसको 1 नंबर से और इसको रहने देता। तो आप लोग समझ में आ गया, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही हमें इसको डिले करना होगा। अब मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक फेस बना के रखा था, उसको मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। अब जो हेयर एनिमेशन हमने बनाया है इसको हम छोटा करेंगे, छोटा करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इसको प्ले करते हैं, देखते हैं कैसे लग रहा है। इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम ड्राइंग करके, फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग करके हेयर का एनिमेशन करते हैं।
तो अगर आप लोगों को ये एनिमेशन टेक्निक अच्छे समझ में आ गया और अगर आप लोग अच्छे से इसको समझ लेते हैं तो आप किसी भी शेप का हेयर हो आप उसका एनिमेशन कर सकते हो, या फिर एनिमल का टेल होता है या फिर मूछे होता है, चाहे जो भी हो आप उसका एनिमेशन कर सकते हो अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ के ड्रॉ करोगे तो। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करना, साथ में अगर आप लोग कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस कृष्णा एंड आई एम साइनिंग आउट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।